नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद मसूरी आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में देहरादून की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद अब आशारोड़ी से मसूरी तक बाईपास के निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत पहले चरण में आशारोड़ी से झाझरा तक हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। दूसरे चरण में झाझरा से मसूरी तक 42 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जाएगा। बता दें, पहले चरण में आशारोड़ी से झाझरा तक 4 लेन सड़क बनाई जा रही है। परियोजना के इस फेज में वन मंत्रालय से मंजूरी भी मिल गई है। इसके बाद झाझरा से आगे मसूरी तक हाईवे बनाया जाएगा। अभी तक झाझरा से डोंगा तक सिंगल लेन सड़क है, जबकि डोंगा से आगे वन भूमि पड़ती है। लोक निर्माण विभाग इसके लिए जल्द ही लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। बता दें, आशारोड़ी से झाझरा और फिर मसूरी तक हाईवे का निर्माण होने से दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल में मसूरी आने वाले पर्यटकों की बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें देहरादून शहर के जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। वर्तमान में पावंटा से झाझरा तक भी नया हाईवे बन रहा है, जिसके बाद इस रूट से आने वाले पर्यटक भी बिना शहर में आए सीधे मसूरी निकल पाएंगे। इससे शहर को भी बड़ी राहत मिल जाएगी। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।